हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी हाइपरटेंशन के बारे में और हमने बात की थी कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स का होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, किस तरीके से ब्लड आर्टरीज पर प्रेशर डालता है, ठीक है, और हाइपरटेंशन के कॉजेज के बारे में हमने बात की थी कि किन किन कारणों से जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है ये बॉडी में दिख सकता है या शो हो सकता है। आज हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में कि ब्लड हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति को हाई बीपी का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम है वो है चेस्ट पेन, ठीक है, सीने में दर्द होना, व्यक्ति को छाती में दर्द होने लग जाता है और उसको थोड़ी सी अकड़न सी महसूस होती है, ठीक है, और एक कॉन्टिन्यूस पेन होता है जो कि मतलब एक बार कंटिन्यू होगा फिर कुछ देर के लिए रुकेगा फिर से उसके बाद वापस होगा, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक रिदम में ये पेन फील करता है पर्सन। जो इसका सेकंड सिम्टम्स है वो है हेडेक, उसको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होना, सिर भारी होना फील होता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता, एक वो मेंटल मतलब एक स्ट्रेस में आने लग जाता है इसके बाद में, ठीक है। उसके अलावा उसको वीकनेस फील होती है, ठीक है, वीकनेस फील होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है और कई बार चक्कर भी आने लग जाते हैं इसके कारण, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति है उसको बेचैनी महसूस होती है, उसका मन नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, चक्कर आ रहे हैं, हेडेक है इसकी वजह से, ठीक है। उससे बॉडी में इडिमा भी देखी जाती है, ठीक है, इडिमा मीन्स सूजन आ जाती है उसके शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट पर देखी जाती है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है ये इडिमा आने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि बॉडी जो है, देखिए हमने कल बात की थी कि जो लोग इसका कॉज क्या था, एक एक्सेस सोडियम का इंटेक करना, ठीक है, एक्सेस सोडियम का इंटेक हो रहा है और साथ ही बॉडी से जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन जो है किसका, सोडियम का, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सोडियम का रिटेंशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये जमा होता जाता है और जो सोडियम की टेंडेंसी होती है ये होती है वाटर को होल्ड करके रखने का काम करता है, ठीक है। पानी को होल्ड करके जब रखेगा ना तो हमारी बॉडी की जो हमारी जो सेल्स हैं उसके अंदर पानी भर जाएगा और वहाँ पर सूजन देखने को मिलेगी, ठीक है, तो सेल्स और टिश्यूज़ में पानी भर जाता है इसकी वजह से, तो ये बेसिकली सोडियम की टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से ये चीज़ देखी जाती है। अब हम आके बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, जो है किडनीज के अंदर या किडनी इश्यूज होना, ठीक है, किडनी इश्यूज होंगे क्योंकि किडनीज जो होती है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है, सोडियम को प्रॉपरली बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही है, ठीक है, और क्या होता है कि कई बार बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा भर जाता है जिसकी वजह से किडनीज को एक्सेस में काम करना पड़ता है, ठीक है, तो किडनीज इसकी वजह से थोड़ी थक भी जाती हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, किडनीज के अंदर किसी न किसी टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना इसकी वजह से भी हाई बीपी का आपको पता चल सकता है, ठीक है, पेशेंट को ज़्यादा गैसियस फील होता है ना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब देखिए जब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम पे गैस का प्रॉब्लम भी देखा जाता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन और गैस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, तो इस वजह से भी ये भी इसका एक सिम्टम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग कॉन्स्टेंटली जिनका बीपी हाई चल रहा है वो अपने बीपी पर ध्यान नहीं देते हैं ना, उन लोगों की जो आईज होती है, ठीक है, आईज के अंदर उनको कैसे दिखने लग जाते हैं, उनको धुंधला दिखने लग जाता है आँखों से, ठीक है, साफ नहीं दिखाई दे पाता है, कभी कभी उनको लगता है कि उनकी आँखों के आगे कुछ कालापन आ रहा है, ठीक है, ऐसी चीज़ें वो फील करते हैं। जो हार्ट रेट है, ठीक है, या हार्ट बीट की जो रेट है ना वो कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है, मीन्स कभी कभी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हृदय तेज धड़क रहा है, किसी टाइम पे आपको लगेगा बहुत धीरे धीरे धड़क रहा है, ठीक है, तो और किसी टाइम एकदम से स्टॉप हो गया फिर वापस चलेगा, क्यों, क्योंकि हार्ट पर प्रेशर है इस वजह से, ठीक है, तो ये चीज़ देखी जाती है। और कई बार जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है ना, तो हार्ट रेट इंक्रीज होना, ठीक है, या फिर
जो इसकी रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं। अब देखिए, ये तो थे सारे सिम्टम्स जो हमने समझ लिए। अब हम बात करेंगे कि जब हमें पता है कि किस कारण से हुई है और क्या क्या सिम्टम हुए, तो हमें पता चलेगा कि हाइपरटेंशन है किसी पेशेंट को, ठीक है। तो अब हम उसको क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देंगे, हम खाने पीने में किस तरीके से और क्या ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति ठीक हो जाए। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, देखिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो उस टाइम पर उसको, या फिर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ भी है तो उस टाइम पर उसके शरीर की क्या पोषण आवश्यकता होती है, ठीक है। इसको हिंदी में हम पोषण आवश्यकता कहते हैं, ठीक है। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की, कि कितना लेना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन के कंडीशन में क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है या व्यक्ति की पोषण आवश्यकता में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कैलोरी की, ठीक है। अब देखिए, हम सभी को पता है जो कैलोरीज होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा। हमारा शरीर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा उपस्थित है, इसलिए हम भोजन के द्वारा क्या लेते हैं, ऊर्जा ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी ना, तो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री, ठीक है, और इनवॉलेंट्री फंक्शंस दोनों ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो हम नहीं कर रहे, हमारी बॉडी अपने आप परफॉर्म कर रही है, जैसे सांस लेना है, हृदय का धड़कना है, है ना, ब्लड सर्कुलेशन है, किडनीज का फंक्शन है, लंग्स का फंक्शन है, ऐसे। और वॉलेंट्री फंक्शंस हमारा उठना, सोना, चलना, बैठना, खाना, दौड़ना, ये सारी चीज़ें वॉलेंट्री फंक्शंस होती हैं। ये सभी फंक्शंस को करने के लिए हमको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसकी क्या एज है, ठीक है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है, उसके अलावा उसका बॉडी वेट कितना है, ठीक है, बॉडी वेट, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, ठीक है, शारीरिक श्रम कितना कर रहा है, अर्थात वो, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी कितनी है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसको कैलोरीज देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन में जितनी दी जाती है ना, वो तो हम एक स्वस्थ व्यक्ति को दे रहे हैं जिसका बॉडी वेट नॉर्मल के या आइडियल बॉडी वेट के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर ओबेस है, ठीक है, ओबेस है, मोटापे से ग्रसित है ना, तो उस व्यक्ति को हम जितनी जो कैलोरीज आ रही है उसका 5-10% कम करके, डिक्रीज करके ही उसको देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको उसका वेट भी तो मैनेज करना है ओबेस पर्सन का, इसलिए तो हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे जिस न्यूट्रिएंट की, वो है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन, अब देखिए, जो प्रोटीन होता है ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग इसका फंक्शन है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग एंड टिश्यू रिपेयरिंग, टिश्यू रिपेयरिंग इसका फंक्शन होता है। अब जब हम किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या एज है, ठीक है, बॉडी वेट कितना है उसका, उसके अलावा उसका जेंडर क्या है, ठीक है, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको प्रोटीन देंगे। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी व्यक्ति हो, उसको कितना प्रोटीन दिया जाता है, जिसका जितना कि उसका बॉडी वेट होता है। सपोज़ किसी पर्सन का बॉडी वेट 60 kgs है, तो अराउंड 60 grams ऑफ प्रोटीन उसको कंज्यूम करना होता है, ठीक है। जैसे 60 kg वेट है ना, 60 kgs अगर उसका वेट है, तो हम उसको कितना देंगे, 60 grams ऑफ हम उसको प्रोटीन देंगे, ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है।
अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अगले न्यूट्रिएंट की। इसमें हमें सभी न्यूट्रिएंट्स को कवर करते हुए जाना है, ठीक है। थर्ड जो न्यूट्रिएंट आता है दैट इज फैट, ठीक है, वसा। वसा कितनी लेनी है व्यक्ति को। अब देखिए हमको एक चीज का ध्यान रखना है, हाइपरटेंशन एक्चुअली किससे रिलेटेड है? हार्ट से, ठीक है। तो जो हार्ट पेशेंट है इनको फैट जो है वो कंट्रोल्ड अमाउंट में ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा इसकी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो भी व्यक्ति है, हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो जो भी फैट खा रहा है वो एनिमल सोर्स से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, प्लांट बेस्ड सोर्स से ले वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे और किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम्स या फिर 20 या 25 ग्राम से हम उसको ज़्यादा नहीं देंगे फैट का अमाउंट, ठीक है। और ये भी किसके अकॉर्डिंग रहेगा? ये भी उसकी बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके आधार पर ही होगा। क्योंकि देखिए हाइपरटेंशन क्या है, एक्चुअल में एक प्रिलिमिनरी स्टेज है किसकी? हार्ट डिजीज की। क्योंकि अगर हाइपरटेंशन चलता ही रहेगा तो वो एक दिन कभी न कभी जा करके हार्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फैट का अमाउंट हम कम से कम रखें, और साथ ही हम इसमें फाइबर का अमाउंट, ठीक है, रेशे का अमाउंट बढ़ा दें। ये देखिए बहुत ज़्यादा फैट होगा तो क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल को भी इंक्रीज करेगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल भी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा एक नियत अमाउंट से तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होगा, हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर जब उसको हम फैट दे रहे हैं तो हम उसको फाइबर भी अच्छा देंगे डाइट में, मीन्स रेशा। वो चाहे हम फलों के द्वारा दें, वो चाहे हम सब्जियों के द्वारा, सलाद के द्वारा दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें रेशे का अमाउंट अच्छा रखना है टू बैलेंस दी कोलेस्ट्रॉल लेवल इन दी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी के अंदर चीप एनर्जी का ही सोर्स है, चीपेस्ट एनर्जी सोर्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा इससे मिलेगी और फैट से भी हमें ऊर्जा मिलती ही है वैसे तो, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको ऐसा देना चाहिए जो कि एक तो इजीली डाइजेस्टिबल हो, है ना। इजीली डाइजेस्टिबल का मतलब ये नहीं होता बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, आराम से डाइजेस्ट होने वाला हो, वो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करता हो, और साथ ही उसमें फाइबर का अमाउंट भी अच्छा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर। क्योंकि अगर फाइबर का अमाउंट अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को या फैट जो प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर उसको बैलेंस करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स का हमको ध्यान रखना है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो किडनीज हैं, है ना, किडनीज अफेक्ट हो रही हैं हमें पता है ना, क्योंकि हमारी किडनीज अफेक्टेड हैं। साथ ही साथ ईडिमा की भी कंडीशन है, शरीर में सूजन भी है ना, तो और क्योंकि सोडियम का रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर जमता जा रहा है, इसलिए तो हमको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति के शरीर से प्रॉपरली पानी नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हमको क्या करना है, लिक्विड्स का अमाउंट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है, बहुत ज़्यादा उसको जल या तरल पदार्थ नहीं देना है, कंट्रोल्ड अमाउंट में ही उसको देना है। जितना उसका यूरिन आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको 500 ml एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका यूरिन के अमाउंट को देखना या जांचना बहुत ज़रूरी होता है कि कितना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइटामिन्स की। अब देखिए जो वाइटामिन्स है ना ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। हमारी बॉडी के बहुत ही छोटे छोटे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनको करते हैं, मींस वाइटल फंक्शंस। और वाइटल चीज़ें क्या होती है, जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, अगर वो नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है वाइटा, ठीक है, वाइटा मीन्स वाइटल, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारी बॉडी में वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, तो वाइटामिन्स इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें व्यक्ति नहीं खा पाता है, तो अगर उसकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का अगर वाइटामिन्स का अगर डेफिशिएंसी देखा जा रहा है तो उसको हम कोई मल्टीविटामिन टैबलेट, ठीक है,
मल्टीविटामिन टैबलेट जो है वो आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? हमारा सबसे पहला फोकस यहाँ पर नहीं हो करके हमारा पहला फोकस होना चाहिए डाइट के ऊपर, कि पर्सन की डाइट ही इतनी अच्छी हो कि उसको मल्टीविटामिन टैबलेट लेने का काम ही ना पड़े। तो हम जितना हो सके उसको सीजनल फ्रूट और जो भी दें, इसके अलावा जितने भी अच्छे सोर्सेज हैं ठीक है विटामिंस के, उनको हमें देना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डाइट के ऊपर फोकस करना है, और अगर हम डाइट से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप मल्टीविटामिन टैबलेट का या सप्लीमेंट का, एक्चुअली ये सप्लीमेंट्स होते हैं मल्टीविटामिंस के, तो आप इनका सहारा ले सकते हो, ठीक है। अब जो मेजरली इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है उसकी हम बात करेंगे, जो कि हमारा टाइप का मिनरल है, ठीक है, वो है नेक्स्ट सोडियम, ठीक है। सोडियम अब देखिए, हमें पता, सोडियम का हमें पता है कि ये क्या करता है कि शरीर में पानी को जमाने का, बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और किडनीज अफेक्टेड हैं तो किडनीज भी बहुत ही ढंग से इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही है कि सारा का सारा बॉडी के अंदर पानी जो है वो आराम से निकल रहा है, बॉडी सही तरीके से चल रही है, वो अच्छे से बॉडी से इम्प्योरिटीज़ को भी बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो इस टाइम पर हमको सोडियम को या सोडियम के लेवल को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि अब देखिए, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है उसके आधार पर सोडियम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर बहुत ही स्लाइटली है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट का इंटेक कम कर देंगे, लेकिन अगर इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर हम या तो नाक के बराबर नमक देंगे या बिल्कुल ही बंद कर देंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है किसी व्यक्ति का तो ठीक है, अगर जब हाई बीपी की कंडीशन आ जाती है तो हम 200 से 400 mg सॉल्ट पर ही उसको फिक्स कर देते हैं या कंट्रोल कर देते हैं कि इससे ज़्यादा वो नहीं ले सोडियम का अमाउंट, ठीक है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, सोडियम जो होता है ना, ये हमारी सब्जियों में या हमारे फूड प्रोडक्ट्स में भी अवेलेबल होता है, तो वहाँ से भी व्यक्ति को मिल जाता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट तो जैसे तैसे फुलफिल हो ही जाती है, ठीक है। इसलिए हमें रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम जो है, देखो ये भी क्योंकि जिन जिन चीज़ों के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है ना, उसी के अंदर पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पोटेशियम जिन, अब हम जब सोडियम पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, तो पोटेशियम भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम रिच फूड आप इनको दे सकते हो, जैसे कि फ्रूट जूसेस दिए जा सकते हैं, ठीक है, थीके? तो उससे इसकी कमी पूरी हो जाती है व्यक्ति के अंदर। तो हमको बेसिकली इन इन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है, इन किन न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है और किन न्यूट्रिएंट को हम आराम से दे सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये तो थी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात, अब हमको जनरली ट्रीटमेंट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पर्सन के, ठीक है, तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए, जब हम किसी भी रोगी को हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट देते हैं तो हमको सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है कि वो पर्सन प्रॉपर अमाउंट में रेस्ट ले, आराम करें, उसके शरीर को आराम मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में हार्ट जो होता है वो भी कई बार बहुत जल्दी बीट करने लग जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति अगर ओवरलोडेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत सारा काम है, तो वो सारी चीज़ें हमको क्या करना चाहिए, उन सबसे उसको रिलीज करना चाहिए, उन सबसे उसको रेस्ट दिलाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें मेडिकेशन का यूज़ किया जाता है, मेडिसिंस दी जाती हैं, है ना। तो देखिए, मेडिसिंस के अंदर क्या होता है, ये देने से जो पर्सन है उसको आराम से तो नींद आती है, रेस्ट मिलता है, मेंटल स्ट्रेस कम होता है, ठीक है, और मेडिसिंस कंटिन्यू की जाती है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए डाययूरेटिक्स का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, जो डाययूरेटिक्स है ना, ये क्या करते हैं, बेसिकली यूरेटिक्स, ठीक है, ये क्या करेंगे, यूरिन का जो आउटपुट है,
है ना, जो यूरिन बॉडी से बाहर निकल रहा है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। जब यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है ना, तो बॉडी के अंदर जितना भी सोडियम जमा है, ठीक है, जितना भी बॉडी के अंदर पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें बाहर निकलने लग जाती है। ठीक है, अब ये बाहर निकलेगी तो हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जैसे पैरों में दर्द होना, ऐंठन होना, थकान होना, ऐसी चीज़ें कई बार आदमी फील करने लग जाता है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली इसमें, तो डायूरेटिक्स का यूज़ किया जाता है या फिर बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड जो हमारे को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ डाइट कंसर्न। डाइट जो है वो ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हमने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात की थी, तो हमें पता है कि हमें डाइट में हमें उसको कौन सा न्यूट्रिएंट कितना देना है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उसकी डाइट में थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम डाइट को बिल्कुल बदल नहीं देंगे, थोड़े से जो जनरल मॉडिफिकेशंस हैं वो हम उसकी डाइट में कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट के अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, फाइबर के अमाउंट को इंक्रीज़ किया, फैट के अमाउंट को डिक्रीज़ किया, कैलोरीज को बैलेंस किया, ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। और देखिए, डाइट पर हम इसलिए फोकस करते हैं कि क्योंकि कई सारे जो ओबेस पर्सन होते हैं या ओबेसिटी से जो ग्रस्त लोग होते हैं उनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है ना, तो हमको उनकी ओबेसिटी को किसके अंदर करना है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर या नॉर्मल वेट में हमको उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए पर्सन जो है उसको अपना जो वेट है, ठीक है, वजन, उसको वेट को डिक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब उसको डाइट इसी अकॉर्डिंग देंगे, लो कैलोरी डाइट देंगे ताकि उसकी बॉडी का जो वेट है वो डिक्रीज हो जाए, और जैसे जैसे वेट डिक्रीज होगा हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम होगा वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो पर्सन है उसको हमको जैसे कैफीन या ऐसी जो चीज़ें होती वो नहीं लेने देनी, तो जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये सब चीज़ों से उसको दूर रखना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हार्ट के ऊपर जो हाइपरटेंशन है या जो ब्लड प्रेशर उसको इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा उसको सिगरेट और टबैको नहीं लेना है, ठीक है, ड्रिंक नहीं करना है, है ना, क्योंकि देखो टबैको में, सिगरेट में, बीड़ी, इन सब चीज़ों में निकोटिन होता है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो नो टी, नो कॉफ़ी, नो सिगरेट, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, इन चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है। तो ये एक टाइप का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड होता है इन कंडीशंस में। बेसिकली लाइफस्टाइल को अगर आप आपके मॉडिफाई कर दो तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, या ओबेसिटी, इन सबको आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेंटल स्ट्रेस से रिलीव करना चाहिए पर्सन को। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस से हम तो रिलीव कर ही रहे हैं पर्सन को, कहाँ से कर रहे हैं कि जैसे कि हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, हम उसकी डाइट सही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मेंटल स्ट्रेस से उसको रिलीव करने के लिए पर्सन क्या कर सकता है, योगा कर सकता है, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकता है, मॉर्निंग वॉक कर सकता है, इवनिंग वॉक कर सकता है। ठीक है, और जो कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश कर सकता है, है ना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। साथ ही अगर माइंड में किसी टाइप के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये बहुत ही हेल्पफुल होती है आपके मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहें तो कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई थेरेपी ले सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप का कोई भी कार्यक्रम या प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली ये सारे के सारे ट्रीटमेंट्स थे जो कि हाइपरटेंशन के दौरान व्यक्ति को दिए जाते हैं या देकर के हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेटर मैनेजमेंट होता है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने बात करी कि हाइपरटेंशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है और क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।